हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक मैनुअल स्टेबलाइजर को ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे सामने ये एक मैनुअल स्टेबलाइजर रखा हुआ है। यह है हमारा मैनुअल स्टेबलाइजर, ये रहा इसका ट्रांसफार्मर, इसमें ये रेगुलेटर हम लगाते हैं। ठीक है, अगर हमें इसे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में कन्वर्ट करना हो तो उसमें कैसे किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक फर्क बता देता हूँ मैनुअल स्टेबलाइजर के ट्रांसफार्मर में और ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के ट्रांसफार्मर में। इसमें ये हमारा मैनुअल स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर है, इसमें आप देख रहे हैं एक न्यूट्रल, न्यूट्रल के बाद इसकी 8 टर्ने निकली हुई हैं, टर्ने यानी इसकी लूप। और ये हमारे एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर है, इसमें हमारी एक न्यूट्रल और प्लस ये 4 लूप इसकी सप्लाई की में निकली हुई हैं। ये हमारे 110 वोल्ट से वर्क करता है, इसलिए इसमें तीन हमने इस इसलिए हमने इसमें 4 सब टेपिंग दे रखी हैं। अगर ये हमारा 140 वर्क करेंगे तो हम एक लूप छोड़कर इसकी 3 लूप काम में लेंगे। अच्छा, और एक बेसिक फर्क ये होता है कि इसमें ये जो आप सप्लाई देख रहे हो नीचे, ये ट्रांसफार्मर से सप्लाई निकलती है 24 वोल्ट और 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 18 वोल्ट की। बट ये हमारे आपने देखा होगा इसमें मैनुअल स्टेबलाइजर में सप्लाई नहीं होती है आमतौर पर। ठीक है, अब मैं आपको मैनुअल स्टेबलाइजर भी दिखा देता हूँ। ये हमारा मैनुअल स्टेबलाइजर है अंदर से, इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि ये केवल एक सर्किट यूज़ किया हुआ है, एक रिले यूज़ की हुई है और एक छोटा ट्रांसफार्मर यूज़ किया हुआ है। और हमारे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में आपने देखा होगा ये एक ट्रांसफार्मर प्लस 3 रिले यूज़ की हुई हैं, एक छोटा ट्रांसफार्मर है और प्लस इसका सर्किट, ये एक सर्किट है, इसमें हम तीनों रिले से ऑपरेट करते हैं। एक सर्किट के अंदर ही 3 सर्किट हैं, 3 पोर्शन है इसके, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड एंड थर्ड पोर्शन। और अब मैं आपको बेसिक फंडा बताता हूँ मैनुअल को ऑटोमेटिक में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहले ये जो हमारी 8 लूप है, इसमें 8ों में से हम पहली वाली लूप सेलेक्ट करेंगे, ये हमारी पहली लूप मानते हैं। ठीक है, ये हमारी पहली लूप आ गई, सबसे लास्ट वाली। उसके बाद हम ये छोड़ते हैं, उसके बाद ये भी छोड़ते हैं, फिर हम तीसरी लूप निकाल लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में एक लूप और छोड़ेंगे, फिर इसी लूप बाहर निकाल लेंगे, फिर हम एक लूप और छोड़ेंगे। इस तरह हमारी 4 लूप रेडी हो गई। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक वाले ट्रांसफार्मर में भी हमारी 4 लूप हैं और ऐसे मैनुअल वाले में भी हमने 4 लूप ले ली हैं। बाकी लूप हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन्हें मोड़ कर टेप कर देंगे। अब हम जैसे कि अब हमें एक दिक्कत ये आएगी कि हम इसमें सप्लाई कैसे इस्तेमाल करें, जो कि हमें सर्किट ऑपरेट करने के लिए। तो इसका एक तरीका ये निकाल सकते हैं, हम जो इसकी कॉइल है, कॉइल के ऊपर ऊपर से तार की बाइंडिंग कर सकते हैं। इसमें हमारी 2 सप्लाई निकल आएगी, एक 24 वोल्ट और एक 18 वोल्ट। अगर कई बार ऐसा होता है कि बहुत से सर्किट ऐसे होते हैं सिंगल सप्लाई से ऑपरेट हो जाते हैं, जैसे कि ये सर्किट, अगर हम ये सर्किट यूज़ करेंगे तीनों रिले के लिए तो हमारा सिंगल सप्लाई से ऑपरेट हो जाएगा। बट अगर हम इस टाइप का कोई सर्किट यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें डबल सप्लाई की ही ज़रूरत पड़ेगी। वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम सर्किट कैसे यूज़ कर रहे हैं। और इसी तरह से मैनुअल में हम ये एक रिले हटाकर इसकी जगह 3 रिले लगाएंगे और 99 हमारा यही काम में आ जाएगा। प्लस 3 रिले के लिए 3 अलग अलग सर्किट हमें यूज़ करना पड़ेंगे, भले ही वो सिंगल सप्लाई से कंट्रोल होते हो या फिर डबल सप्लाई से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक बात और, मैं आपको ये जो ट्रांसफार्मर दिखा रहा हूँ, आपको लगता होगा कि एक ट्रांसफार्मर छोटा है, दूसरा ट्रांसफार्मर बड़ा है, बट ये केवल डेमो है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रांसफार्मर भले ही 250 वाट का हो या 3 केवीए का हो या फिर 5 केवीए या 10 केवीए, बेसिक फंडा सबका सेम ही रहता है। ठीक है, बाकी अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें मैसेज कर सकते हैं। और बाकी जो नंबर दे रखा है सिग्मा पावर सिस्टम्स का, आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।